यूनिट इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड फॉर्मूला है, देन थर्ड एग्जांपल है, एंड फोर्थ लिमिटेशन है, फिफ्थ एडवांटेजेस है। तो सेकेंडरी अटैक रेट का इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्या होता है सेकेंडरी अटैक रेट? एक्सपोज पर्सन का नंबर होता है जो डिजीज डेवलप करते हैं विद इन रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही डिजीज डेवलप कर देते हैं। सो सेकेंडरी अटैक रेट इज नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। एंड सेकेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट इज नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन ड्यू डेवलपिंग डिजीज विद इन रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज और ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट्स, टोटल नंबर से डिवाइड कर। नाउ इसमें डिनोमिनेटर में एक्सपोज पर्सन रहते हैं एंड प्राइमरी केस को एक्सक्लूड किया जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से। एंड थर्ड इसका एग्जाम्पल क्या है, एक फैमिली में मान लो सिक्स मेम्बर्स है, उसमें दो पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन फोर हैं जो कि ससेप्टेबल है ना मीजल्स के लिए। नाउ प्राइमरी केस आता है मीजल्स का एक और उसमें सेकेंडरी केस दो और आ जाते हैं, तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या आएगा, 2/3 आएगा। क्यों आएगा 2/3? क्योंकि जो नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन है जो डिजीज डेवलप कर लिया तो वो दो हैं सेकेंडरी केस, क्योंकि दो हैं, और टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन तीन हो गए। टोटल नंबर तीन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स इम्यून है और जबकि चिल्ड्रन बस नहीं है, प्राइमरी केस को हमने एक्सक्लूड कर दिया और चार केसेस में से एक को एक्सक्लूड कर दिया, तीन टोटल हो गए। तो इसका आंसर हो गया 66.6%। देन फोर्थ लिमिटेशन है इसका, तो लिमिटेशन में क्या आएगा, तीन लिमिटेशन है। फर्स्ट वैन प्राइमरी केस इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम, सेकेंड फिजिबल ओनली वैन नेचुरलिस्टिक नोन, एंड थर्ड फर्दर स्प्रेड इज नॉट नोन। तो फर्स्ट हम प्राइमरी केस इन्फेक्शन अगर लॉन्ग टाइम के लिए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स डेवलप टीबी अपॉन नंबर ऑफ पर्सन माइनस वीक ऑफ मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, ऐसे करना पड़ेगा into 100। एंड सेकेंड फिजिबल तभी होता है जब नेचुरल हिस्ट्री पता होती है, ऐसे नहीं पता चलता है सेकेंडरी अटैक रेट, और सेकेंडरी अटैक रेट से हम फर्दर स्प्रेड को नहीं पता कर सकते, सिर्फ एक ही बार के स्प्रेड को पता कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ है एडवांटेजेस के, इसके फर्स्ट ओवरऑल अटैक रेट, सेकेंड अननोन एटियोलॉजिकल डिजीज, एंड थर्ड कंट्रोल मेजर इफेक्टिवनेस। तो फर्स्ट ओवरऑल अटैक रेट से पता चल जाता है, दूसरा अननोन एटियोलॉजिकल